लाहौर में पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की नफरी ताहाल जहूर इलाही रोड पर मौजूद है। पुलिस ने परवेज इलाही के घर जाने वाले रास्तों को बंद कर रखा है। मजीद ताजा तरीन क्या अपडेट्स हैं, बात करेंगे यार मोहम्मद, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सूरत हाल देख रहे हैं यार मोहम्मद वहां पर आप अभी? अभी देखिए जी, साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर भी हैं। गुज़िश्ता 3 रोज से देखा जा रहा है कि जो लाहौर शहर की अहम शाहरा है जहूर इलाही रोड, जहां पे जहूर इलाही पैलेस वाक़ है, वहां पे पुलिस ने मुकम्मल तौर पे दोनों इतराफ से रास्तों को बंद किया हुआ है। इस वक्त भी मेरे अकब में आप बैरियर देख सकते हैं कि ये किनाल रोड वाली साइड है। किसी भी शख्स को अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाती, सिर्फ जो रहायशी अफराद हैं वो भी अपने क्वाइफ दिखा के ही अंदर दाखिल होते हैं। एंटी करप्शन में परवेज इलाही के खिलाफ जो दर्द मुकदमात हैं उसमें पुलिस को वो मतलूब हैं, लेकिन अभी तक 3 रोज से उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। 2 बार सर्च ऑपरेशन भी पुलिस की जानिब से उनकी रहायशगाह का किया गया, जबकि गुज़िश्ता रोज अदालत की जानिब से जो उनकी जमानत है वो भी मनसूख की गई थी और 6 जून का टाइम दिया गया कि उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए, लेकिन अभी तक पुलिस की जितनी रेड्स हैं वो तो यार मोहम्मद ये बताइए परवेज इलाही के बारे में क्या खबरें हैं, कहाँ पर है वो, अपने घर में है या फिर कहीं और है? देखें, पुलिस का बारहा यही दावा करना है कि जो लोकेशन आई थी लोकेटर के थ्रू वो इनके घर की आई थी आहरी, जिसके बाद कुछ देर के लिए उनका लोकेटर, 2 रोज से पुलिस का लोकेटर भी खराब हुआ था, जबकि दोबारा लोकेशन ट्रेस की गई तो जहूर इलाही पैलेस की ही लोकेशन आई है उनके मोबाइल फ़ोन की। लेकिन ज़राए का ये दावा करना है कि परवेज इलाही का मोबाइल जो है वो उनके मुलाजिम के पास था जो उनकी इस रहायशगाह के अंदर मौजूद है। परवेज इलाही इस रहायशगाह के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि पुलिस की जानिब से घर का एक एक कोना और एक एक चप्पा जो है वो छाना गया, लेकिन परवेज इलाही उनको नहीं मिल सके। इसमें चौधरी शुजात की रहायशगाह भी अंदर ही मौजूद है जहूर इलाही पैलेस के, जबकि उनके जो साहिबजादे हैं उनकी रहायशगाह में भी तलाशी ली गई, जबकि जो करीबी घर हैं वहां पे भी सर्च ऑपरेशन किया गया और उनकी रहायशगाह से जो मुतसिल स्कूल है वहां पे भी चेकिंग की गई, लेकिन अभी तक परवेज इलाही का कोई सुराग नहीं मिल सका, ना ही उनका कोई बयान सामने आया कि वो इस वक्त कहाँ पे हैं। और एंटी करप्शन की टीमें भी जो हैं वक्फे वक्फे से वो जहूर इलाही पैलेस पहुंचती हैं, इसी तरह पुलिस की जो नफरी है अभी तक यहाँ पे 3 रोज से तैनात है, लेकिन जो रहायशी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यार मोहम्मद, जैसे आप बता रहे हैं कि उनके बेटे के घर भी छापा मारा गया, पूरी तलाशी ली गई, चौधरी शुजात हुसैन के घर में भी तलाशी ली गई, तो जब वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है तो पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है, मकसद क्या है, लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? देखें, पुलिस हुकाम से जब भी हमारी बात होती है वो यही कहते हैं कि जो लोकेशन है उनके मोबाइल की वो यहाँ पे आ रही है, हालांकि 2 से 3 मोबाइल जो है इनके घर से वो भी पुलिस ने कब्जे में ली है, लेकिन इसके बावजूद DIG ऑपरेशंस लाहौर हैं, उन्होंने आज सुबह आके यहाँ पे विजिट किया है और उनका ये दावा करना है कि परवेज इलाही इधर है, लेकिन इतनी बड़ी पुलिस है पंजाब की, लेकिन अभी तक एक जो गिरफ्तारी है वो अमल में नहीं ला सके वो, जबकि ये जो सर्च ऑपरेशन है इसका सिलसिला रोजाना की बुनियाद पे हो रहा है, अभी तक उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। इसी तरह गुजरात में जो उनकी रहायशगाह है वहां पर भी चेकिंग की गई है, दीगर भी जो मुकाम है जहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यार मोहम्मद हमें इस मुताले का आगाह कर रहे हैं, यार मोहम्मद आपका बहुत शुक्रिया।